नारी जिंदाबाद। स्टेज पर से कुछ साथी उतर जाए कि आज हमारा पार्लियामेंट से भी ज्यादा जरूरी शाहपुर में रहना बाकी हो सकेला हमारा एक डांट भी पड़ेगा लेकिन हम ओकरा के समझा ले कहे कि नरेंद्र मोदी के जब कोनो बात समझावल जाला तो 2 मिनट में समझ जाए। नरेंद्र मोदी का दिल बड़ा है। नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले लोग भी हो सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से जैसे ही कोई ऐसा काम कही कि काम कैला से भारत के बेटियन के फायदा होई, महिला लोग के फायदा होई, गांव के लोगन के फायदा होई, युवा लोगन के फायदा होई, किसान के फायदा होई, व्यापारी के फायदा होई तो नरेंद्र मोदी ई नहीं सोची हाँ कि तो कहियो गाली देने रहना अच्छा बात लेके आई वो तो कुल बतिया भुला के बैठा ली किया वो भाई बताओ तो हर का काम बटे कैसे करते और वही के आज साथ हम चल रहा वाली इसे हम समझा ले समय जरूर थोड़ा कम हो गए रात में हम अपने बेटी से मिले खाते हम बॉम्बे गए रही कल शाम के निकलनी 9 बजे रात में हमारे परिवार बंबई रहेला हमार बेटी 11 क्लास में पढ़ती वैसे तो एगो बेटी भी आ लेकिन हमरा खातिर अब हमनी के बिहार के यूपी के दिल्ली के देश के हर बेटी हमार बेटी नियम सवेरे सवेरे 6:30 बजे के फ्लाइट लेके आई हम और 9:45 बजे पटना उतर गए। बारिश वारिश भी होत रहे समस्या हो गई समय से उड़ नहीं पहनी जा तो हम पे तो लगल की हेलीकॉप्टर उड़ी नहीं पाई तो हम लोग बाय रोड चल देनी जाते लेकिन ओकरों में हमने के करीब 3 घंटा इंतजार कर दिया 12 बजे चल गए। अब जब हम पहुंचे थे तो देखा कहीं पीछे पीछे हुआ गया तो हमने के जब पहले से प्लानिंग कर ली जाए तो ये सोचनी जा कि चलो भरौली चलो कहीं तो वहां तरवलिया भी चल जाए हमारे गांव वाले तरवलिया वहां भी लोग इंतजार करता कि मनोज जो आया है। अब गांव के आशा वो तो गांव के आदमी समझ सकेला लेकिन हम आपसे सच बताई हम कुछ दिन पहले वो झुमलिया भी आए हैं दुखद समय में आए हैं ऐसे आज हम जब आए वाली आप लोगों के बीच में तो हमारे मन में का चलता ही आप लोगों के पता चले के चले गाड़ी शेर पे सवार कर दो हमके बड़ा बना दिल्ली जा बसंती चमन में चहक जाला केहू सुन ली तो भी बड़ा बना दिल्ली जा और ससुरा बड़ा पैसा वाला जब कहने तब वो आप लोग बहुत बड़ा बना दे लेकिन हम ये मान के चलता नहीं कि मनुष्य के जन्म बार बार नहीं मिली एह जन्म के पूरा उपयोग करे के बाद तो जे हमरा के बनौले बाटे
ओकरा के वापस खुशी देहल, आप लोगन के बच्चा बन के, आप लोग के कोई के भाई बन के, कोई के छोट, कोई के बड़, हम एगो शपथ ले ले बानी कि अपने बिहार के लोगन के, अपने चूंकि प्रदीप राय जी हमारा संगे आए बड़े, जब हमी के पढ़त रही जा तो प्रदीप राय जी कुशीनगर के रहे वाले, और प्रदीप राय जी से हमार पहला मुलाकात भइल तो लागल कि बिहार यूपी ते एगो ऐसा रिश्ता बाटे कि ओकरा के दुनिया में कोनो ताकत ओकरा के अलग करिए नहीं के सकत। और प्रदीप जी से हमार भेंट भइल, हम चल गए सिनेमा के दुनिया में, ही चल गई वकालत के दुनिया में। एक दिन अमिताभ बच्चन जी हमसे भेटले, हम और अमिताभ बच्चन जी फिल्म करत रही जाए गंगा, तो अमिताभ बच्चन जी हमरा से कहले कि प्रदीप राय को जानते हैं मनोज भाई? तो हम सोचे प्रदीप कौन, अमिताभ बच्चन किस प्रदीप की बात कर रहे हैं? तो पता चला कि वही प्रदीपवा जेकरा हमनी के संग पढ़ी जा ससिया संजहिया चंद्रशेखर सब वही लोग, हम सब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आंगन के छोटे छोटे फूल। तब हम इनके गांव गईली और आज देखी हम आवतानी अपने गांव, तो प्रदीप राय जी भी सारा काम सुप्रीम कोर्ट के छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ही नहीं थे, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर के चुनाव भी जीत के आए वाले, यही नाते इनका स्वागत होते के चाहिए। अब हमारा पास दूगो काम बा, बिहार के मान ऊंचा करें, बिहार के लोगन के आकांक्षा के आशा के पूर्ति करें। हम बिहार के लोगन में कोनो ऐसन बात नहीं के जोना से हमने के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्य न हो जाए, दुनिया के। एक दिन हमरा से कोई मिलल अफगानिस्तान के रहे वाला रहे, हम कहली कि तो बिहारे क्या हुआ, तो घबरा गया, बोला नहीं मैं अफगानिस्तान से, उनके अरे जब सम्राट अशोक हमारे शासक थे तो ये बिहार का शासन अफगानिस्तान कंधार तक होता था, इसलिए आप भी उसी के पार। अब आज के डेट में हम बड़ा दुखी बानी, मध्य प्रदेश के वो नया नया मुख्यमंत्री कल शपथ ले ले, उनका नाम का बा कमल, और शपथ लेते आज उन्होंने ऐसा बयान दिया, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश से यूपी बिहार के लोगों को हटा देना चाहिए। हम सोचे नया राज ठाकरे आ गए, तो बहुत राज ठाकरे लोगन के हमनी के औकात बतौले वाली जा, और आज भी हम आपसे शपथ ले ऐसा लोगन के औकात बता के रह। मैंने आज सुबह कहा, मैंने पटना एयरपोर्ट पे बुलाया मीडिया, मैंने कहा बिहार यूपी के लोग मेहनती होते हैं, हम अगर कहीं जाके देश में कौने स्टेट में जाए जाओ, इसके लिए हमको कोई रोक सकता है क्या भैया? दुनिया की कोई ताकत बिहार यूपी के लोगों के मेहनत करने की क्षमता को नहीं रोक सकता। लेकिन राहुल गांधी को सवेरे से बोल रहा हूं कुछ बोला, उसकी आवाज नहीं निकल रही उनकी, ये मानसिकता जो देश में फैला रहे हैं लोग, उसका विरोध करने के लिए मैं आपका बच्चा बन के दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूं, और कोई माई का लाल बिहार के एक भी बच्चे को दाग नहीं लगाते। हमारे ऊपर अटैक भी हुआ बंबई में हुआ, जब राज ठाकरे के लोगों ने हमारे बिहार के यूपी के लोगों के कार तोड़ना शुरू किए, ठेला तोड़ना शुरू किए, हमने कहा कि याद रखो हम लोग बिहार यूपी के लोग मेहनत करना जानते हैं, किसी के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगते। लेकिन ये जो
मानसिकता है, क्योंकि उस जब राज ठाकरे हमला किया तो भी कांग्रेस का शासन था मारा। अब ये क्या संजोग है, इसको कैसे कहें प्रदीप भाई, इसको कैसे कहें? हम लोग, आप सभी लोग विचार करिए कि जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ लिया, कहता है बिहार यूपी के लोगों को ये लोग नौकरी आके ले लेते हैं, काम करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बोलते हुए? तो हम आज ये भी व्रत लेंगे यहां भरौली में कि हम ऐसे लोगों को, मनोज तिवारी बिहार बीजेपी का थोड़ी अध्यक्ष है, बिहार बीजेपी का अध्यक्ष हमारा